हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज तुम्हारा भाई ना बहुत ही जो हिडन प्लेसेस कहा जाता है ना, हिडन मॉन्यूमेंट दिल्ली का, वहाँ पे आया है, जो कि हमारा सफदरजंग का टॉम्ब है। बहुत ही अच्छा है, जिसे मिनी हुमायूं टॉम्ब भी कहते हैं। वहाँ आए हैं और जो कि हिडन प्लेसेस में आता है। इस जगह के बारे में लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो इस चीज़ यहाँ पे आके आज इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। और फिर जो जो चीज़ें होंगी, किसने बनाया, कब बना, कितनी पुरानी इमारत है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो टिकट हमने ले ली है, टिकट है 25 पर पर्सन है और मंडे को ये बंद रहता है। तो अब चलते हैं अंदर, टाइम वेस्ट नहीं करते और मिलते हैं। यहाँ से होती है हमारी एंट्री शुरू। और ये बिल्कुल हुमायूं टॉम्ब है ना, उस तरीके का बना हुआ टॉम्ब है। सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। पब्लिकेशन काउंटर, जी हाँ वो है सामने हमारा, छोटा सा सफदरजंग टॉम्ब। वीडियो में ही छोटा लग रहा है, वैसे काफ़ी बड़ा है। लो भाई, बिल्कुल भीड़ नहीं है यहाँ, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। बहुत ही कम क्राउड है, बहुत ही कम पब्लिक है और काफ़ी साफ़ सुथरा। मतलब मॉन्यूमेंट तो यार मोस्टली साफ़ सुथरे ही होते हैं। वहाँ जाने से पहले आस पास जो मतलब ये गाइडलाइंस वगैरह लिखी हुई है यहाँ पर, और इसके बाद ये है क्या 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 चीज़ें हैं यहाँ। सबसे पहले तो सफदरजंग का टॉम्ब है, फिर बादशाह पसंद है, पब्लिक ये सब है सारा यहाँ पे घूमने का। और उसके बाद इंडेक्स, मेन गेटवे, मॉस्को, मेन टॉम्ब, ये जो है ये तो था हमारा मेन गेटवे, ठीक है। उसके बाद और किसने बनवाया था, ये सारी बातें भी करेंगे हम। तो चलते हैं भाई साहब। काफ़ी शांति है यार यहाँ, मतलब हवा भी आज इतनी बढ़िया हवा चल रही है ना, जैसे बाल देख लो, एक नंबर की हवा चल रही है और काफ़ी ज़्यादा शांति है। क्राउड बिल्कुल नहीं है, हल्का फुल्का क्राउड है। मैं भी यहाँ लोगों को पता नहीं इस जगह के बारे में ना, हिडन है ये चीज़ और काफ़ी साफ़ सुथरी है। ठीक है, कम लोग आए और अभी चलते हैं हम, वहीं चलते हैं पहले। अब पहले चलते हैं ऊपर, उसके बाद जो मेन चीज़ तो वही है देखने, ये वाले फाउंटेन वहाँ जो हम पिछली बार हुमायूं टॉम्ब गए थे वहाँ बंद पड़े थे, ठीक है। और अच्छी बात एक यही लगी कि क्राउड नहीं है बिल्कुल, और मेरे ख्याल थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ ऊपर, ठीक है। अभी चलते हैं ऊपर और देखेंगे किसने बनाया था ये। मतलब है तो हुमायूं के टाइम का ही, जो मुगल है ना हमारे टाइम, जो मुगल होते थे उन्हीं के टाइम का मॉन्यूमेंट है। तो चलो चलते हैं ऊपर और देखते हैं क्या चीज़ खासी है। जी मेन टॉम पे आ गया और मेन टॉम हमारा ये है ऊपर, और एक ये मेन ये चीज़ देखते हैं क्या बना हुआ है। और ये हमारा फाउंटेन एरिया हो गया। और सच्ची में यार कसम से जो शांति है ना यहाँ आके, बड़ी ज़्यादा शांति है। मेरे ख्याल उस टाइम का ट्यूबवेल सिस्टम होता होगा। अच्छा, ट्यूबवेल सिस्टम नहीं है। अब चढ़ते हैं ऊपर। लो जी, ये हमारा छोटू सा टॉम्ब है तो बहुत बड़ा। टॉम में सिर्फ एक चीज़ मिलती है जो कि है कब्र। अब ये पता नहीं किसकी कब्र बनी हुई है यहाँ पे। और मेन गेट होता हमारा ये है ना यार, इसमें रहते कैसे होंगे लोग, है ना। ऊपर जाने की भी है क्या था वहाँ कहीं से, ये दिखता हमें बस मेन ये चीज़। लो जी, अब खड़े अंदर। और ये एक तरह का ना पिकनिक स्पॉट है यार, बहुत बढ़िया चीज़ लगी है। काफ़ी शांत, और शांत के साथ साथ मतलब क्राउड तो है ही नहीं, जो कि मेन चीज़ आजकल लोगों को चाहिए शांति, वो जो वो वाली शांति है। इनो साइड ना फाउंटेन्स है, ये वाला फाउंटेन भी बंद पड़ा है और इसके इस साइड भी फाउंटेन है, वो भी बंद पड़ा है, इस साइड भी फाउंटेन बंद पड़ा है। बिल्कुल सामने जो फाउंटेन है ना वो चल रहा है सिर्फ। मेरे ख्याल ना यहाँ गेट होते होंगे जो उखाड़ के ले गए थे जिन्होंने इन्वेड किया था। लो जी,
ये है कुछ हमारा। तो गाइज ये है हमारा साइड का व्यू सफदरजंग टॉम्ब का, जो कि बड़ा बेहतरीन लग रहा है। हुमायूं टॉम्ब के बिल्कुल कॉपी है, बट ये है जो ये वाला टॉम्ब है ये थोड़ा छोटा है और वो वाला बड़ा है, और इसके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। हाँ तो गाइज हमारा जो टॉम्ब वाला सीन था ना वो इतना ही था, कुछ ज़्यादा था नहीं घूमने का। अब आस पड़ोस में कुछ लग रहा है, देखने का वहाँ चलते हैं, अगर कुछ दिखता है तो जरूर दिखाएंगे। जरूर मिली हमने, कमरे बंद पड़े हैं, यहाँ जरूर कुछ रहने का होगा। ऐसा होगा ना, ऊपर लगता होगा दरबार और ये होंगे नीचे रहने का उनका, जो भी रहता होगा यहाँ। जैसे काफ़ी दिख गए हैं ये, तो ये मेरे को पहले उसमें दिखे हैं, इससे पहले नहीं थे। जितने भी टॉम घुमाओ ना उससे पहले किसी में दिखा, इनमें दिख गए। यहाँ रहने का होगा और ये कुछ सीन है। काफ़ी शांति है, काफ़ी अच्छा वातावरण है और हवा भी आज तेज चल रही है। तो गाइज अब ऐसा सीन है, और तो कुछ यहाँ घूमने का लगा नहीं, सिर्फ एक यही चीज़ है, इसीलिए मेरे ख्याल यहाँ थोड़ा क्राउड कम रहता है। जो अपना ऊपर जो टॉम बना हुआ है इसी में घूमने का जो भी है, और फोटो सेशन हो जाता है और लोग प्री वेडिंग भी करवा लेते हैं परमिशन लेके यहाँ पे। तो अब बैठते हैं थोड़ी देर, पानी वगैरह। गाइस जो हम टॉम्ब है वो घूम चुके हैं, और अब इसके बारे में थोड़ी बात बताता हूँ। जो मुग़ल टाइम का जो मुग़ल एम्पायर था हमारे इंडिया में, उस टाइम का 1754 की बात है। उस टाइम एक एम्परर होता था जिसका नाम था सियाजुद्दौला, उसने बनवाया था ये जो हमारा देख रहे हो पीछे टॉम्ब। और ये दिल्ली का ना मतलब सबसे हिडन जेम्स में से आता है, हिडन मोन्यूमेंट्स में से आता है, इसलिए यहाँ पे भीड़ भड़ाका बहुत कम है और जो एंट्री टिकट है वो भी बहुत कम है। और साफ़ सुथरा, जिसको शांति चाहिए हो आ जो अपना थोड़ी बहुत देर के लिए, काफ़ी मतलब पीस है और सूथिंग प्लेस है। रिकमेंड करता हूँ मैं तो घूमने आने के लिए, क्योंकि पता चलना चाहिए कौन कौन इन्वेडर्स आए थे यहाँ। एक्चुअली में इन्वेडर्स ही थे जिन्होंने अटैक किया था और इतने साल हमारे इंडिया पे राज किया था। तो फिर ये कुछ सीन हमारा, अब व्लॉग को करते हैं एंड। और अगर गाइस वीडियो ठीक लगी हो, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और लाइक कमेंट कर शेयर कर देना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।